इस मूवी की शुरुआत में हमें एक नीडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है, जहां उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक नीडी उसे जोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी, जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है, जहाँ डेविल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है, जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी, वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूज़िक बैंड में चलेंगे, जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं, जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है, जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है, तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं। आग बहुत ही ज्यादा हो जाती है, कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुंचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है, और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है, तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है। उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है, लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है, जो कि बहुत उदास था, क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है, जिसकी आवाज वहां से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है, शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन
उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नजर नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिले, और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाय के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाय और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया। अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया, और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काटकर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया, लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है, जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ।
और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है। लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आंखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है। वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है। और वह इतनी अग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। फिर वह चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वह म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना। फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ डेविल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी, वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूज़िक बैंड में चलेंगे जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं।
आग बहुत ही ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुंचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है, उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है, लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है जिसकी आवाज वहां से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नजर नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिले, और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाई के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाई और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया।
अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया। और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काट कर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है, लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आँखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है, वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है, जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है, जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है। और वह इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है, जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। फिर वह चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वह म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना,
फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है, जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ टेबल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी। वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूज़िक बैंड में चलेंगे जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है तो सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहाँ से जंप करके बाहर निकलती हैं। आग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुँचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब इंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है। उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियाँ करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफ़ी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियाँ भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है जिसकी आवाज़ वहाँ से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज़ की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है।
अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमज़ोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नज़र नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिलें। और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाय के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाय और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया। अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया। और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काटकर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया, लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है, जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ।
और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है। लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आंखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है। वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है और वह इतनी अग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। फिर वह चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वह म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना। फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ डेविल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी, वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूज़िक बैंड में चलेंगे जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं।
आग बहुत ही ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुंचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है, उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है, लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है जिसकी आवाज वहां से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नजर नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिले, और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाई के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाई और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया।
अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया। और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काट कर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वे अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है, लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आँखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है, वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है, जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है, जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है। और वह इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है, जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। फिर वह चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वह म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना,
फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है, जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ टेबल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी। वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूज़िक बैंड में चलेंगे जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं। आग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुँचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है। उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है जिसकी आवाज़ वहाँ से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज़ की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया।
गया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमज़ोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नज़र नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिलें। और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाय के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाय और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया। अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया। और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काटकर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया, लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है, जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ।
और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है। लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आंखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है। वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है और वह इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। फिर वह चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वह म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना। फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ डेविल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी, वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूज़िक बैंड में चलेंगे जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं।
आग बहुत ही ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुंचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है, उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है, लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है जिसकी आवाज वहां से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नजर नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिले, और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाई के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाई और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया।
अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया। और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काट कर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है, लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आँखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है, वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है, जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है, जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है। और वह इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है, जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था।
फिर वे चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वे म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना। फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है, जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ डेविल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी, वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूजिक बैंड में चलेंगे जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है, तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं। आग बहुत ही ज्यादा हो जाती है, कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुंचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है, उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझा कर पास ही के जंगल में ले जाती है
वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है जिसकी आवाज वहां से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नजर नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिले, और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाय के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाय और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया। अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया, और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काटकर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया, लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वे अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है। तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है।
अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है, लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आंखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है, वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है, जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है, जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है। और वह इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है, जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। फिर वह चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वह म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना। फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है, जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था, जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है, जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी, जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है, जहाँ डेविल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है, जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी, वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूजिक बैंड में चलेंगे, जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं, जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है, जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो,
इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है, तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं। आग बहुत ही ज्यादा हो जाती है, कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुंचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है, उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहां आ जाती है, लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है, उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है, जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है, जिसकी आवाज वहां से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नजर नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिले, और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाई के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाय और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ।
फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया। अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया। और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काटकर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वे अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है, उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है, लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आंखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है, वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है, जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है, जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है। और वह इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है, जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था।
फिर वे चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वे म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना। फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक निडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक मेंटल हॉस्पिटल में कैद किया हुआ है, जहाँ उसके पास एक डॉक्टर आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। लेकिन तभी अचानक निडी उसे ज़ोर से लात मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। अब निडी का ऐसा बर्ताव क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर उसे एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। अब वह यहाँ अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में सोचती है। उसकी बहुत अच्छी और खूबसूरत फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था जेनिफर। अब कहानी कुछ समय पहले जाती है जहाँ डेविल केटल नाम का एक शहर दिखाया जाता है। ये दोनों इसी शहर से बिलोंग करती थी। इस शहर का नाम डेविल केटल एक झरने के वजह से पड़ा था, क्योंकि इस झरने से गिरने वाला पानी एक छेद में जाता है जो किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर वह पानी जाता कहाँ है। बहुत से साइंटिस्ट ने भी इस पर खोज करी लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चल पाया। अब हम कहानी की मेन किरदार जेनिफर पर आते हैं। दरअसल जेनिफर अपने कॉलेज की खूबसूरत और होनहार लड़की हुआ करती थी, वहीं इसकी फ्रेंड निडी इससे बिल्कुल अलग है। वह ना ही खूबसूरत है और ना ही फेमस। इन दोनों का नेचर भी अलग है लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। निडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है लेकिन उसके बावजूद भी वह जेनिफर को ज़्यादा वैल्यू देती है। जेनिफर उससे कहती है कि आज रात हम एक म्यूजिक बैंड में चलेंगे जहाँ हम धमाल मचाएंगे। ये लोग उस बैंड परफॉर्मेंस में पहुँचते हैं जहाँ जेनिफर का दिल एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई पर आ जाता है। अब जेनिफर निकोलाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आती हूँ। उस दौरान निकोलाई अपनी किसी दोस्त से जेनिफर के बारे में बात करता है जो निडी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। निडी जाकर जेनिफर को बताती है कि वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत बात कर रहे हैं। जेनिफर कहती है कि छोड़ो भी, जाने दो, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये लोग अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं कि तभी उस बार में आग लग जाती है, तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। निडी और जेनिफर भी टॉयलेट की विंडो तोड़कर वहां से जंप करके बाहर निकलती हैं। आग बहुत ही ज्यादा हो जाती है, कुछ लोग उस आग की चपेट में भी आ जाते हैं। अब बाहर पहुंचते ही निकोलाई जेनिफर से कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम खूब एंजॉय करेंगे। जेनिफर उससे कहती कि ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन निडी उसे बहुत ज़्यादा रोकती है और कहती है कि मत जाओ जेनी, क्योंकि हम नहीं जानते वे लोग कौन है और क्या है। लेकिन जेनिफर उसके साथ वैन में बैठकर चली जाती है और निडी यहाँ अकेली उदास खड़ी देख रही होती है। अब निडी अपने घर पर आती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जेनिफर उनके साथ वैन में बैठकर चली गई है, शायद उसके साथ रेप भी हो सकता है। कि तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह घर में यहाँ वहाँ देखती है लेकिन उसको कुछ नज़र नहीं आता। तभी अचानक वो रूम में आकर देखती है कि जेनिफर तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में मौजूद है, उसके चेहरे पर बहुत ही अटपटी सी स्माइल है। निडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वह फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर चबाने लगती है। चिकन खाने के बाद वह जॉम्बीज की तरह हरकत करने लगती है और भयानक तरीके से उल्टियां करती है, वो भी काले रंग की। अब अगली सुबह निडी कॉलेज की क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि कल रात जो हुआ क्या वह सच था या सपना। कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है लेकिन वह तो फ्रेश और पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। यहाँ क्लास में उनके प्रोफेसर उन्हें रात को बार में मरने वाले लोगों के बारे में दुख जता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो जेनिफर मुस्कुरा रही होती है। उसे किसी के मरने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर ये बर्ताव देखकर निडी काफी हैरान हो जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कल रात जेनिफर जॉम्बीज की तरह बिहेव कर रही थी और फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी और उल्टियां भी करने लगी। अब यहाँ जेनिफर कॉलेज के फुटबॉल कोच से मिलती है जो कि बहुत उदास था क्योंकि उस बार में लगी आग से उसके कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में उलझाकर पास ही के जंगल में ले जाती है। वो उसे किस करने लगती है कि तभी वहाँ जंगल के जानवर आसपास इकट्ठा हो जाते हैं
उस लड़के को ये बात बहुत अजीब लगती है। फिर कुछ सेकंड बाद जेनिफर एक भयानक रूप में आके उस लड़के को अपने दांतों से फाड़ देती है। वो लड़का चीखता है जिसकी आवाज वहां से गुजरे हुए एक प्रोफेसर सुन लेते हैं। अब प्रोफेसर उस आवाज की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कोच को तो किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि निडी जेनिफर से फोन पर कहती है शहर में ये क्या चल रहा है, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। जेनिफर कहती है कि तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, तुम बस चिल करो। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वे एक लाइटर से अपनी जीभ में आग लगा रही, लेकिन उस आग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि मैं गॉड हूँ। अब इन सब के बाद एक महीना बीत जाता है, लेकिन जेनिफर अब यहाँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई सी लगती है। उसके चेहरे में भी वह खूबसूरती नजर नहीं आती जो पहले आ रही थी। अब कॉलेज में एक मनचला सा लड़का जेनिफर को मूवी के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि क्यों ना हम रात को ही मिले, और वो उसे ऐसी जगह बुलाती है जो बिल्कुल खंडहर होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते हैं जहां जेनिफर की आंखें अपना भयानक सा रूप लेने लगती हैं, जिसे देखकर वह लड़का घबरा जाता है। फिर कुछ ही सेकंड में जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसके शरीर का पूरा मांस खा जाती है। दूसरी तरफ निडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सोच रही होती है कि जेनिफर कहीं किसी खतरे में तो नहीं है। उसको अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं तो वह घर से बाहर अपनी गाड़ी उठाकर निकलती है, जहां रास्ते में अचानक उसके सामने जेनिफर खून से लथपथ हुई मिलती है। फिर निडी गाड़ी में ब्रेक मारती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के कांच पर जंप करती है, तो निडी तुरंत गाड़ी मोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। घर पर वह अपने बिस्तर पर सोने ही वाली होती है कि अचानक जेनिफर उसके बाजू में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक हालत में। निडी बहुत डर जाती है और कहती है कि जेनिफर तुम यहाँ से जाओ। जेनिफर कहती है रुको रुको, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उस रात जब मैं निकोलाय के साथ वैन में गई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। दरअसल निकोलाय और उसके फ्रेंड म्यूजिक करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। तो वो लोग मुझे किडनैप करके उसी रहस्यमय झरने के पास ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने कहा हाँ। फिर निकोलाय ने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। अब मैं वर्जिन तो नहीं थी, इसलिए मैं उस झरने से जिंदा वापस आ गई और मेरे ऊपर एक शैतान सवार हो गया। अब उस रात जब मेरे ऊपर शैतान सवार था तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैं तुम्हारे पास आई, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाया, और जब मैं मांस खा लेती हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और मुझे काफ़ी बेटर फील होता है। इसके बाद जेनिफर अपना हाथ काटकर निडी को दिखाती है, पर हाथ कटने के कुछ सेकंड बाद ही उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब निडी को इस बात का एहसास होता है कि मेरे घर में कोई शैतान मौजूद है, तो वह उससे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब जेनिफर वहाँ से जाती तो है, लेकिन खिड़की से छलांग मारकर अब निडी हैरान हो जाती है कि इतनी ऊंचाई से कोई छलांग कैसे लगा सकता है। अब शैतानी ताकत की पूरी जानकारी के लिए निडी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ उसे पैरानॉर्मल बुक मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस म्यूजिक बैंड से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने जेनिफर को वर्जिन समझकर उस झरने के छेद में फेंक दिया, जिससे वह म्यूजिक बैंड तो फेमस हो गया, लेकिन जेनिफर के ऊपर का भूत सवार हो जाता है। इस बुक के अनुसार शैतान को शांत करने का एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब यह सारी बातें वह अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है, लेकिन चिप इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उल्टा निधि के दिमागी हालत पर ही शक करने लगता है। और कुछ दिन बाद उस कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। निडी को यहाँ लगता है कि कोई ना कोई यहाँ मारा जाएगा, और उसका सबसे पहला शक उसके बॉयफ्रेंड चिप पर ही होता है। तो वह चिप से कहती है कि प्लीज़ तुम उस रात मत आना, तो चिप यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ज़रूर आऊँगा। अब उसी डांस फंक्शन का वक्त आता है जहाँ निडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कहीं नज़र नहीं आता और जेनिफर भी कहीं नज़र नहीं आती। तो वह परेशानी की हालत में भागते हुए चिप के घर जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज के लिए निकला है, तो निडी उसे ढूंढने निकल जाती है। अब दूसरे सीन में हमें चिप और जेनिफर एक जंगल में दिखाए जाते हैं, जहाँ जेनिफर उसे गुमराह करके कह रही होती है कि निडी तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें चीट कर रही है।
उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी है। और इन्हीं सब बातों में उसे बहला फुसला कर वह खंडर की ओर ले जाती है, जैसे कि वह हमेशा करती आई है। अब जेनिफर उसे किस करने ही वाली होती है कि चिप उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दो, मैं निडी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से किस नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जेनिफर को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उसे पानी में पटक कर अटैक कर देती है। इतने में भागते हुए निडी वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर ने चिप की गर्दन पर अटैक कर दिया है। लेकिन निडी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाती है और एक स्प्रे से जेनिफर की आंखों में मारती है। यहाँ जेनिफर को और भी गुस्सा जाता है। वह कहती है कि मैं सिर्फ लड़कों को ही नहीं मारती है, मैं लड़कियों को भी मार सकती हूँ। फिर वह उसके ऊपर काले रंग की उल्टियाँ करने लगती है और निडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसके बॉयफ्रेंड चिप जख्मी हालत में भी एक रॉड से उस पर हमला कर देता है। अब जेनिफर के शरीर से बहुत सारा खून निकलने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। निडी अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है लेकिन कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। अब इस बात से निडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वह जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और उसी दौरान जेनिफर निडी की गर्दन पर काट देती है। लेकिन इसके बावजूद भी निडी जेनिफर के दिल पर एक चाकू से हमला कर देती है, जैसा कि उसने पैरानॉर्मल बुक में पढ़ा था। इसके बाद जेनिफर और उसके अंदर से वह शैतान दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। फिर जेनिफर की मॉम उसी रूम में आती है जहां वह देखती है कि निडी उसके दिल में चाकू से वार कर रही है। फिर सीन वापस उसी मेंटल जेल में शिफ्ट होता है, जहां हमें पता चलता है कि निडी किस कारण से उस जेल में बंद है। और वह इतनी एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि जब जेनिफर ने उसकी गर्दन पर काटा था तो वह शैतान उसका शरीर छोड़कर निडी के शरीर में घुस गया था। अब निडी के अंदर भी सुपर नेचुरल पावर थी और वह इस जेल से बहुत ही आराम से खिड़की तोड़कर निकलती है, जिसके बाद वह सीधा उसी रहस्यमय झरने के पास जाती है जहाँ उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलाय ने जेनिफर को मारा था। फिर वह चाकू उठाकर और एक अजनबी से लिफ्ट लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर म्यूजिक बैंड कॉन्सर्ट चल रहा था। फिर वह म्यूजिकल बैंड अपने रूम में काफी नशा कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग लेना, शराब पीना। फिर अगले सीन में उनकी लाशें दिखाई जाती है जो कि दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। फिर आखिर में सीसीटीवी फुटेज से ये दिखाया जाता है कि निडी ने ही उन सब का कत्ल कर दिया था जो कि वह इसी लायक थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।